हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 44 के रूल 1 से रूल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीसी का ऑर्डर 44 निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीले, अपील्स बाय इंडिजेंट पर्संस, जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके लिए अपील के बारे में बात करता है। इसमें रूल 1 कहता है हु मे अपील एज एन इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति के रूप में कौन अपील कर सकता है। ये रूल फर्स्ट कहता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील कर सकता है। रूल 1 में कहता है कि वह व्यक्ति जो अपील के मेमोरेंडम के लिए, अपील के ज्ञापन के लिए जो निर्धारित शुल्क है वह जमा करने में असमर्थ है, तो वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा और वह व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील के रूप में फाइल कर सकेगा। अब निर्धन व्यक्ति है या नहीं है, इसके बारे में जो निर्धन व्यक्तियों के लिए वाद दाखिल करने के रूल हैं, जो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वही रूल उन पर लागू होंगे जो व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों के रूप में अपील को दाखिल कर सकेंगे। अब इसका रूल 2 कहता है ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। रूल 2 इसका कहता है ऑर्डर 44 का न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय दिया जाना। अब ये क्या बात है कि अगर कोर्ट ने उसके मेमोरेंडम को, उसके अपील के ज्ञापन को एक्सेप्ट नहीं किया कि वह बिना फीस के दाखिल कर सकता है या उसका दाखिल करने का अधिकार है, मतलब वह निर्धन व्यक्ति की श्रेणी के रूप में नहीं है, तो उसके उस प्रार्थना को रिजेक्ट कर देगा और उसे यह आदेश देगा कि अपील पर वह निर्धारित शुल्क जमा करे। ये उसको आदेश देगा और उसके लिए वह एक समय निर्धारित करेगा। अगर जो अपीलांट है वह उस निर्धारित समय में फीस जमा कर देता है या कुछ और समय चाहता है, कोर्ट चाहे तो समय को बढ़ा सकती है, उस समय पर अगर वह निर्धारित शुल्क जमा कर देता है तो कोर्ट में वह अपील ऐसे एडमिट मानी जाएगी कि जैसे प्रथम दिन ही उसने फीस जमा कर दी हो और वह अपील उसका रेगुलराइज हो जाएगी, वह अपील चालू रहेगी, उसकी उस पर सुनवाई होगी। रूल इसका 3 कहता है इंक्वायरी एज टू वेदर अपीलेंट इज एन इंडिजेंट पर्सन। रूल 3 कहता है इस प्रश्न के बारे में जांच कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं है। तो इस पर रूल कौन से लागू होंगे, जो निर्धन व्यक्तियों के रूप में वाद दाखिल करने के नियम हैं वही नियम इसमें लागू होंगे, और अगर उन नियम के अनुसार वह व्यक्ति निर्धन है कोर्ट के नजर में तो उसकी अपील एडमिट करके सुनवाई की जाएगी। अगर उसके कोर्ट के समझने के बावजूद भी अपोजिट पार्टी या सरकारी प्लीडर, प्रत्यर्थी या सरकारी प्लीडर उस पर विरोध करता है कि नहीं, ये निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता, तब कोर्ट उसकी इंक्वायरी करवा सकता है। इंक्वायरी करवाने पर अगर उसको उचित पाया जाता है कि वह व्यक्ति निर्धन है तो फीस से उसको माफ कर दिया जाएगा। अगर नहीं पाया जाता है कि निर्धन नहीं है वह, तो उसे फीस जमा करने का आदेश दे दिया जाएगा। तो ये बात इसमें से रूल इसका 3 कहता है। अब इसमें से निर्धन व्यक्तियों के लिए अपील कौन करेगा, कैसे करेगा, कब एडमिट होगी, इसके बारे में रूल 1 से लेकर के रूल 3 तक बताया गया। अब रूल 45 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।